बदायूं के बिलसी विधानसभा क्षेत्र में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने बार बार प्रत्याशी बदलकर पहले ही हार मान ली है। उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव सामान्य चुनाव नहीं, देश की तकदीर और तस्वीर बदलने का चुनाव है। पहले दो चरणों का चुनाव हो चुका है और पश्चिम से लेकर पूरब तक एक ही नारा गुंजायमान हो रहा है, एक बार फिर मोदी सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले के प्रधानमंत्री अयोध्या जाने से डरते थे, आज मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो अयोध्या भी गए हैं और रामलला को भी विराजमान कर दिया। हमें भी सोचना होगा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। देश के सामने सुरक्षा का संकट किसने खड़ा किया था? देश को विकास से वंचित किसने किया था? देश में भूख की मौत के लिए कौन जिम्मेदार रहा है? किसानों की आत्महत्या के लिए कौन जिम्मेदार थे? तुष्टीकरण की राजनीति के कारण दंगों के लिए कौन जिम्मेदार था? भ्रष्टाचार की भीषण समस्या से गरीब तबाह होता था, इसके लिए जिम्मेदार कौन था? नौजवान प्लान करता था, उनके लिए रोजगार और नौकरी नहीं थी, कौन इसके लिए जिम्मेदार था? बिजली पानी के लिए लोग तरसते थे, कौन इसके लिए जिम्मेदार था? और आपकी आस्था के साथ कांग्रेस सपा बसपा के मुख्य व्यवहार करते थे, कहते थे